हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो हम ऑलरेडी अपने फेसबुक में कर चुके हैं, बट क्या होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं यार कि डे टू डे चीज़ें जितना अपडेट आती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हम अपने प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे हम अपने लिए मार्केटिंग करते हो चाहे अपने क्लाइंट्स के लिए, बट यार कि डे टू डे चीज़ों को रिमेंबर करना और नए अपडेट्स पढ़ना यार बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं रिसेंटली, हम वो वहाँ जाके वो फीचर्स देखते हैं, वो मिलता ही नहीं है हमें, या हम यूज़ करने पे नहीं कर पाते, वो अपडेट हो जाता है या उस वो किसी नेक्स्ट वर्जन पे चला जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो ऐसे ही एक फेसबुक का फीचर है, लाइक जो आप कैरासोल के नाम का आपने सुना होगा, पोस्ट करने का काइंड ऑफ कि एक साथ कैसे पिक्चर्स पोस्ट होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ, मुझे शायद दिखेगा नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाता, मेरी फीड पे यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैरासोल जैसे, जिसे पता है कि कैरासोल क्या होता है। क्योंकि फेसबुक पेज में अगर हम पेज की बात करें रिसेंटली, अगर आप अपना पेज देख सकते हो, मैं अपने पेज पे आ गया हूँ। अगर हम क्रिएट पोस्ट करते हैं, पहले यहाँ पे ऑप्शन आते थे कि एज अ यू कैन डू कैरासोल पोस्ट, देखो यहाँ पे कैरासोल का नहीं आता। अगर जिन्होंने ओल्ड फेसबुक अकाउंट यूज़ करे हैं, ओल्ड फेसबुक जो अभी अपडेट से पहले था, तो उसमें फीचर आता था, पर अब नहीं आता। तो अब कैरासोल होता क्या है, कैसे पोस्ट करें, तो उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस। और चलते हैं वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हम जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वीडियो में कवर करते हैं, डिस्कशन करते हैं और नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, कि हमने जैसे आपको मैंने बताया, अब इनसे बैक चले जाते हैं पहले। अब यार वो यहाँ तो फीचर है नहीं कैरासोल का, अब क्या करना चाहिए आप ये बताइए। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कैरासोल का, सॉरी, कैरासोल का फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जस्ट अभी एक क्लाइंट के लिए पोस्ट करा है, दिस काइंड ऑफ, दिस इज अ कैरासोल। पहले तो बताता हूँ यहाँ पे क्या है, वन बाय वन पिक्चर हम देख सकते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, कितने पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना यार। पहले हम बात कर लेते हैं इसे करते कैसे हैं, कहाँ से करेंगे, जब ये अगर पेज में यहाँ से नहीं होता पोस्ट तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो गाइस इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पब्लिशिंग टूल में या क्रिएटिव स्टूडियो में। अगर आप क्रिएटिव स्टूडियो यहीं पे दिख जाता है तो दैट्स गुड, नहीं तो पब्लिशिंग टूल में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आप पब्लिशिंग टूल के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। उसके बाद आपको लेफ्ट एंड में अगेन देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्रिएटिव स्टूडियो दिखेगा अपना। आई डोंट नो फेसबुक ने, देखो हर चीज़ हम फेसबुक जो करता है वो चीज़ों को ईजी करने के लिए करता है, बट जो यूज़ टू नहीं है, ज़्यादा डेली यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें समझना, उन्हें देखना या उन्हें मैनेज करना। नाउ देखो यहाँ पे पोस्ट समथिंग लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली इसी पे क्लिक करना है और ये हमारा एक बार खुल गया है। अब क्या करना है, आपको एक लिंक लेना है पहले। तो जैसे मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक ले रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है, मैं इसी लिंक को यहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ आई कैन ऐड पिक्चर्स, ठीक है, अभी मैं और भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज, चलो ये कर दी मैंने, ये कर दी, इन्हें यहां से पिक नहीं करी आई थिंक, ये दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, ये देखो ये हो रही है। आप रिफ्लेक्ट करेगा, फैचिंग करेगा प्रीव्यू को, फिर दोबारा दिखाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक लिंक ड्रॉप करना है, क्योंकि बिना लिंक के आपका नहीं चलेगा, प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। ये देखो, ठीक है, ये एंड में आपको एक कार्ड देता है, एंड कार्ड जिसे बोलते हैं, लाइक यूट्यूब में जो लगता है ऐसे यहाँ पे। इसके लिए साइज आपको मेक श्योर करना है कि आपका फेसबुक पोस्ट साइज ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ भी। ये मेरे थंबनेल से यूट्यूब के लिए, साइज तो बेसिकली डिफरेंट है, ये फेसबुक पोस्ट साइज है जैसे आप देख रहे हो, पूरा प्रॉपर वे में आ रहा है, तो इस वजह से ये सही से दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ही पोस्ट करना है। नाउ यू हैव टू राइट अ कैप्शन हियर बेसिकली, देन यू कैन स्केड्यूल और शेयर नाउ दिस पोस्ट फ्रॉम हेयर। आप यहीं से ही ये कर सकते हो, पहली बात ध्यान रखना। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगी पोस्ट कहाँ से करनी है। आप पोस्ट के थोड़े बहुत मैं इनके आपको वो बता देता हूँ, कंक्लूजन्स होते हैं बेसिकली, प्रॉन्स होते हैं, क्रॉन्स होते हैं, तो कुछ नेगेटिव वो चीज़ें क्या है इनकी। हम यहाँ से अगर पोस्ट कर देते हैं तो इसके बाद हम इसे एडिट नहीं कर सकते, पहली बात,
ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक टूल से यहाँ पे हुआ हुआ है। अगर इनकेस हम सोचेंगे कि अपने हम पेज में जाके यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैंने क्लाइंट की पोस्ट करी है, मैं इसे एडिट कर लूंगा, ये मुझे एडिट करने का ऑप्शन, ये तो शायद बूस्ट हो रही है पोस्ट, मतलब एडिट करने का ऑप्शन देगा बट आपको पब्लिश नहीं करने देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, आप यहाँ पे 10 पिक्चर्स ही पोस्ट कर सकते हो एक साथ, एक्सक्लूडेड दिस वन, ये 11th है एड कार्ड, जो खुद ये फैच करके लगाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 पिक्चर्स ही आप यूज कर सकते हो इसमें, एडिट कुछ नहीं कर सकते आप, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, इट्स काउंट कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट पोस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने अपने लिए क्लाइंट मैनेज कर रहे हो, आपका खुद का क्लाइंट है, तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, तो क्लाइंट समझता है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो उनको उनके पेज पे, तो मस्ट बी यू हैव टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू अट्रैक्ट मोर यूजर्स एंड ऑडियंस, क्योंकि हमें नहीं पता किस वे से ऑडियंस आ सकता है, दैट्स अ वे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको पता चल गया हो कैरोसोल होता क्या है, कैरोसोल पोस्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हैं, और बस यही था इस वीडियो में। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।